हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय सागर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एआरबी अनबॉक्सिंग। तो भाइयों, एक बार फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। काफी दिनों से दोस्तों वीडियो बनाने की सोच रहा था ये, पर टाइम नहीं मिल पा रहा था। इस वीडियो को बनाने के लिए ना एक अलग ही फील चाहिए होता है, तो जो आज था हमारे पास, हमने सोचा है आज आपको इस टॉपिक पे वीडियो दिया है। टॉपिक देखो, थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस बारे में होने वाली है। तो हाँ भाइयों, वीडियो आज जो है होने वाली है कि किस पार्ट्स की कितनी लाइफ होती है और कौन कौन से ऐसे बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट्स है जो आपको लोकल बिल्कुल भी नहीं डलवाने चाहिए। भाई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ पैसे बचाने के लिए अपने पार्ट्स में कुछ पैसे बचाने के लिए अपनी बाइक में लोकल पार्ट डलवा लेते हैं और उनका जो नुकसान है वो बहुत ज़्यादा भारी होता है बाद में। उस समय तो उन्हें नहीं पता लगता, परंतु बाद में उस पार्ट्स की वजह से जो लोकल पार्ट डलवाया होता है और ज़्यादा नुकसान होता है, तब उन्हें पता लगता है कि काश यार ये पार्ट मैंने जेन्युइन डलवा लिया था। तो भाई वो कौन कौन से पार्ट्स ऐसे हैं जो आपको 100% जेन्युइन ही डलवाने चाहिए, उसके बारे में थोड़ी सी आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और आप लोगों को भी कुछ पता है इस बारे में कि कौन से पार्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा जरूरी है बाइक के लिए? मैं इंजन की बात नहीं करूँगा बिल्कुल भी यहाँ पर, इंजन से रिलेटेड सिर्फ हम एक ऑयल फिल्टर लेंगे, बाकी सारे बॉडी के पार्ट्स हैं जिसकी वजह से गाड़ी की जो चाल है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो भाई जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट है अपना चैनसेट। चैनसेट मोटरसाइकिल के अंदर बहुत ही अहम पार्ट है, उसी के ऊपर पूरी बाइक चल रही है। अगर गलती से भी आपने लोकल चैनसेट डलवाया हुआ है, रास्ते के अंदर अगर चैन टूट गई, लोकल चैनसेट की तो कोई देखो वैल्यू है ही नहीं, लोकल तो लोकल ही है, कुछ नहीं पता कि कब टूट जाए या कब उतर जाए चैनसेट से। कई गाड़ियों में चैनसेट चैन जो है उतर भी जाती है, लोकल टूट भी जाती है। और इसीलिए भाई मैं यही बोलूँगा कि जब भी चैनसेट आप डलवाओ, ओरिजिनल ही डलवाओ, क्योंकि अगर एक बार चैनसेट चलती बाइक में लोकल चैनसेट अगर आपकी बाइक में है और चलती गाड़ी के अंदर चैन अचानक से टूट गई, तो गाड़ी एकदम जाम हो सकती है, एक्सीडेंट होने के भी चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा डैमेज भी मिल सकता है गाड़ी को भी साथ में आपको भी। तो इसलिए लोकल चैनसेट बिल्कुल नहीं डलवाना। अब आते हैं जेन्युइन चैनसेट पे, जेन्युइन चैनसेट की लाइफ कितनी होती है और जेन्युइन चैनसेट की लाइफ को और ज़्यादा कैसे बढ़ाया जाए इस बारे में भी बताएंगे आपको। तो भाई हमेशा जेन्युइन चैनसेट डलवाओ। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ चैनसेट होता क्या है। भाई ये बहुत बड़ा पैकेट है, हीरो का जेन्युइन चैनसेट है हमारे पास, एक गाड़ी का है। ये किसका है भाई? ये है हमारा इम्पल्स का है, BS4 का है, इम्पल्स BS4 का चैनसेट है ये, हीरो के अंदर जेन्युइन है हमारे पास। सिर्फ यहाँ पे चैनसेट ही नहीं है, चैनसेट जब भी आप डलवाएं तो ये जरूर देखें कि चैनसेट से रिलेटेड जो पार्ट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनसेट जो है अच्छा चलता है, अच्छी परफॉर्मेंस देता है, वो पार्ट भी चेंज होने चाहिए अगर वो ख़राब हैं तो। सपोज चैनसेट अगर आप डलवा रहे हैं तो चैनसेट से रिलेटेड 3 पार्ट और होते हैं। एक होता है हमारा चैनसेट का बैरिंग, जिसके ऊपर चैनसेट की पीछे गरारी, पीछे की जो गरारी बड़ा वाला जो पॉकेट होता है वो घूमता है, बैरिंग के ऊपर घूमता है भाई। वो बैरिंग भी आप जरूर चेक करें, अगर वो बैरिंग खराब हो तो उसे भी चेंज करवाएं। उसके अलावा एक होता है चैनसेट के अंदर हाफ एक्सल, जिसपे जो हाफ एक्सल का मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, ये हमने एक स्प्लेंडर का हाफ एक्सल लिया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ ऐसे भाई। अनबॉक्सिंग तो इनकी मैं अपने चैनल पे डाल चुका हूँ, ये देख लीजिए आप, हाफ एक्सल मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ। तो ये हमारा हाफ एक्सल है और जब भी डलवाएं भाई हाफ एक्सल जरूर चेक करवाएं। कभी कभी हाफ एक्सल स्लिप होता है जिसकी वजह से चैन जो है सही से प्रॉपर टाइट नहीं हो पाती और जल्दी हल्की लूज रहने के लिए रह जाती है और आवाज़ कर करके चैन सेट की जो लाइफ है वो कम हो जाती है। और बाकी एक आता है हमारा कपलिंग रबड़। भाई कपलिंग रबड़ देख लीजिए, हीरो में ये कपलिंग रबड़ होती है, देख लीजिए कैसी होती है, आपको दिखा देते हैं। ब्लैक कलर की कपलिंग रबड़ होती है, जिसे आप लोग ड्रम रबड़ भी बोलते हो, कच्छ रबड़ भी बोलते हो। तो भाई ये चैनसेट से रिलेटेड 3 पार्ट है, चैनसेट, कपलिंग रबड़, स्पॉकेट बैरिंग और हाफ एक्सल। तो जब भी आपको चैनसेट चेंज कराना है तो ये 3 पार्ट जरूर चेक करवाएं। कभी कभी होता क्या है, तीनों पार्ट भी खराब होते हैं, चैनसेट भी खराब होता है, पर हम ये देखते हैं कि यार हमारा चैनसेट खराब है, हमें तीनों मैकेनिक भी नहीं बता पाता या उसे नॉलेज नहीं है या जो भी है, वह नहीं इस ज़्यादा इस चीज़ में नहीं घुसेंगे। बस इतना बता देता हूँ कि आपको भाई नॉलेज देना चाहता हूँ पार्ट से रिलेटेड, तो वो आप सुनिए बस कि चैनसेट जब भी चेंज करवाएं, हाफ एक्सल, स्पॉकेट बैरिंग और कपलिंग रबड़ जरूर चेक करवाएं। अगर खराब है बैरिंग में, अगर प्ले है तो बैरिंग को भी चेंज करवाएं। कपलिंग रबड़ कैसे प्ले चेक करते हैं, व्हील के अंदर चैन गियर में डाल के गाड़ी को जब आप साइड प्ले चेक करते हैं, व्हील को घुमाते हैं, तो उसके अंदर कपलिंग रबड़ की प्ले आ जाती है और ड्रम चैनसेट का जो कपलिंग हब होता है हमारा, जिसके ऊपर चैनसेट का पीछे का स्टड टाइट होता है स्पॉकेट, उसे घुमा के देखोगे उसमें अगर प्ले है तो समझ लीजिए कपलिंग रबड़ भी खराब है। और उसके अलावा हाफ एक्सल की चूड़ी अगर स्लिप है तो हाफ एक्सल भी खराब है। तो ये तो बातें थी चैनसेट की। इन तीनों को अगर आप एक साथ डलवाएंगे तो चैनसेट की लाइफ को आप नॉर्मली चैनसेट को, अगर 150 सीसी की बाइक है तो कम से कम नहीं तो 15,000 से 20,000 की लाइफ नॉर्मल चैनसेट की होती है। परंतु आप अगर चैनसेट की केयर करेंगे, ऑयल ल्यूब टाइम पे करेंगे, चैन को टाइम टू टाइम टाइट करवाते रहेंगे, ल्यूब्रिकेट करते रहेंगे, तो आप उसे 25,000 से 30,000 तक भी चला सकते हो।
तो भाई ये तो हमारी चैनसेट की बात थी, अब आते हैं अपना सेकंड पार्ट पे। तो सेकंड पार्ट है हमारा ब्रेक शू। हाँ, चैनसेट जब डलता है तो वहीं पे ब्रेक शू भी होते हैं भाई। ये हमने बजाज पल्सर के ब्रेक शू लिए हुए हैं, देख लीजिए ये ब्रेक शू है हमारा, हमने बजाज पल्सर के ब्रेक शू लिए हैं। कभी कभी होता है ब्रेक शू लोकल डलवाने की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। लोकल ब्रेक शू हमारे व्हील का जो ड्रम होता है उसको भी खराब करता है। जब हम लोकल ब्रेक शू डलवाते हैं तो लोकल ब्रेक शू क्या होता है, खुद तो घिसता ही है, ड्रम को भी जल्दी घिसता है, क्योंकि लोकल लेदर का कोई कुछ नहीं होता, कुछ मतलब इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं हो पाती है। और एक और है ड्रम कटने की, एक और जेन्युइन वजह जो है वो ये है कि लोकल ब्रेक शू जब हम डलवा लेते हैं, और मतलब ब्रेक शू हमारे, जैसे हमने ब्रेक शू नए डलवाए और ब्रेक शू खराब हो गए हमारे, 6000 किलोमीटर की लाइफ जो है ब्रेक शू की होती है यूजुअली। देखो कोई कोई लोग होते हैं ब्रेक शू को सोचते हैं कि 10000 किलोमीटर तक चला लें, 15000 किलोमीटर तक चला लें। भाई ब्रेक शू 6000 किलोमीटर की कंपनी लाइफ बोलती है, उतने ही चलाओ, उससे ज़्यादा अगर आप चलाना चाहते हो तो चलाओ, परंतु ये देख लो कि चल सकते हैं या नहीं। कभी कभी होता है क्या है, लोग ब्रेक शू पूरे खत्म हो चुके होते हैं, एडजस्टमेंट पूरी डाउन हो चुकी है, ब्रेक शू का लेदर भी पूरा घिस चुका होता है, फिर भी उसे जबरदस्ती चलाते हैं, जिसका नतीजा होता है कि हमारा जो अलॉय व्हील होता है उसके अंदर जो ड्रम स्लिप होती है वो ड्रम स्लिप कट जाती है, जिसकी वजह से अलॉय व्हील भी डैमेज हो सकता है। बाद में ऑप्शंस दो बचते हैं, या तो अलॉय व्हील पूरा चेंज करवाओ या फिर खराब पे उसकी ड्रम की स्लिप नहीं डलवाओ, जिसमें दोनों में ही मोटा खर्चा आता है। अगर अलॉय व्हील नया डलेगा तो भी मोटा एक्सपेंसिव है, मोटा खर्चा है, ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और अगर ड्रम स्लिप डलेगी तो भी ज़्यादा खर्चा है उसमें। तो भाई ब्रेक शू के ये हमारा ब्रेक शू था। अब आते हैं अपना तीसरे पार्ट पे, जो है हमारा एयर फिल्टर। तो भाई एयर फिल्टर जो है हमारा वो दो ही तरह के आ रहे हैं अभी, एक पेपर फिल्टर आ रहा है, एक फोम फिल्टर आ रहा है। किसी किसी गाड़ी के अंदर अभी भी फोम फिल्टर आ रहा है, और किसी किसी गाड़ी के अंदर जो है पेपर फिल्टर से फोम फिल्टर से अपग्रेड करके पेपर फिल्टर कर दिया है। तो पहले क्या होता था, फॉर्म फिल्टर ही आते थे सारी गाड़ियों में, कस्टमर भाई फॉर्म फिल्टर को पेट्रोल से धो के लगवाते थे, चलाते रहते थे। कंपनी ने दिमाग लगाया कि भाई अगर ये फॉर्म फिल्टर ऐसे ही रहेगा तो कस्टमर कभी नहीं डलवाएगा। फॉर्म फिल्टर होता क्या है, पेट्रोल से धो के लगवा लेते थे उसे। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये फॉर्म फिल्टर है हमारा, आज भी पल्सर के अंदर फॉर्म फिल्टर ही आ रहा है, अभी तक कंपनी ने अपग्रेड नहीं किया पल्सर 150 को, उसके अंदर अभी भी फॉर्म फिल्टर आ रहा है, जो कि मैक्सिमम गाड़ियाँ जो है हमारी उनके अंदर सारी कंपनियों ने, मैक्सिमम कंपनियों ने अपग्रेड करके फॉर्म फिल्टर से पेपर फिल्टर कर दिया है। यही रीज़न है कि लोग पेट्रोल से इसे धुलवा के, मैकेनिक हो या कस्टमर हो, धुलवा के लगवा लेते थे, सफाई हो गया, बस हो गया, लग गया, पर फॉर्म की क्वालिटी भी डाउन हो जाती थी, घट जाती थी, एयर को उतना ज़्यादा ये मतलब साफ नहीं कर पाता था, और दिक्कत आती थी इसकी वजह से भी गाड़ी में, पर कस्टमर जो है भाई इसी को साफ करके लगाते रहते। तो कंपनी ने क्या किया, अपग्रेड किया, पेपर कर दिया, पेपर होगा ना, धुलेगा ना कुछ होगा, एक बार अगर खराब हो गया तो समझ लो खराब है वो। तो भाई इसलिए एयर फिल्टर की जो लाइफ होती है, वैसे सही बताऊं तो 10000 किलोमीटर की होती है, या फिर दूसरी से तीसरी चेंज होना चाहिए। अगर आप देखेंगे तो आपको एयर फिल्टर बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा कि एयर फिल्टर को कब चेंज करना चाहिए, कंपनी ने बड़े बड़े अक्षरों में वहां पे लिखा हुआ है। तो ये थी हमारी एयर फिल्टर की बात। बाकी एक हमारा ऑयल फिल्टर भी होता है जो इंजन के अंदर होता है, जैसा कि मैंने बता देते वीडियो की शुरुआत में, इंजन के अंदर एक पार्ट होगा वो है हमारा ऑयल फिल्टर। दिखा देते हैं आपको ऑयल फिल्टर, ये हमने मिंडा कंपनी का लिया भाई। इसकी लाइफ जो होती है बस एक सर्विस की होती है, हर सर्विस पे इसे चेंज करना पड़ता है। ये फोरेस का एयर फिल्टर है, कैलिबर फोरेस और यामा एफजेड दोनों में लग जाएगा, स्प्रिंग वाला एयर फिल्टर है। इसे जब भी आपको भाई ऑयल चेंज कराना है मोटरसाइकिल का या बाइक का, जब भी आप ऑयल चेंज कराएंगे तो इसको चेंज करना कंपलसरी है। कोशिश यही करें कि इसे नया ही डालें बिल्कुल, जब भी ऑयल फिल्टर उसका इंजन ऑयल जब भी आप चेंज कर रहे हैं। भाई लास्ट हमारा एक पार्ट और बचा है, वो है हमारा बैरिंग। तो भाई बैरिंग और एक स्पार्क प्लग भी है, एक स्पार्क प्लग है भाई। कभी कभी होता क्या है, कस्टमर जो है स्पार्क प्लग को भाई एक बार डलवा लेता है, और जब तक गाड़ी का स्पार्क प्लग बंद ना हो जाए, गाड़ी रास्ते में कहीं बोल ना जाए, तब तक स्पार्क प्लग नहीं चेंज कराता। पर ऐसा नहीं है, स्पार्क प्लग की लाइफ सिर्फ 10000 किलोमीटर की होती है। अगर आप चेक करेंगे अपनी सर्विस की बुक में तो स्पार्क प्लग की लाइफ लिखी हुई है, 10000 किलोमीटर से ज़्यादा स्पार्क प्लग नहीं चलता, और आपको चलाना भी नहीं चाहिए, चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10000 पे ही बोल जाएगा, बिल्कुल नेट 10000 होते ही खराब हो जाएगा। 10000 से जितना ज़्यादा चलाते रहोगे चलता रहेगा, एक टाइम आएगा दम तोड़ देगा, गाड़ी रास्ते में बंद हो जाएगी। पर उससे पहले 10000 के बाद परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है, एवरेज डाउन हो जाती है, पिकअप डाउन हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें डाउन हो जाती है। स्पार्क प्लग के अंदर खराब कुछ नहीं होता, सिर्फ इसका जो बीच का जो एलिमेंट होता है, ये वाला पॉइंट जो देख रहे हैं आप बारीकी से, ये घिस जाता है, क्योंकि इसके अंदर लगातार करंट चलता है और उसकी वजह से इसका जो एलिमेंट है वो घिस जाता है, पूरा ख़त्म हो जाता है। और यही रीज़न है कि स्पार्क प्लग को 10000 किलोमीटर पर ही चेंज करवाएं। और कौन सा प्लग डलवाएं, प्लग हमेशा जेन्युइन डलवाएं, लोकल प्लग कभी ना डलवाएं, लोकल प्लग की कोई लाइफ नहीं होती, लोकल प्लग की चूड़ी भी खराब होती है, जिससे आपके जो इंजन के अंदर जब इसे कसते हैं हम हेड के अंदर, उसकी चूड़ी भी खराब होने का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। इसलिए लोकल प्लग कभी मत डलवाएं, जेन्युइन प्लग डलवाएं, चैंपियन का ओरिजिनल है, इसके अलावा बॉस्क का और एनजीके का भी जेन्युइन ही होता है।
अगर आप हीरो या बजाज की पैकिंग में लेंगे तो भी आपको एनजीके, चैंपियन या बॉस तीनों में से एक मिलेगा। अब आते हैं अपना बैरिंग के ऊपर। मैंने अभी बात करी थी चैनसेट के टाइम पे कि चैनसेट का एक बैरिंग भी होता है जो डलता है। भाई बैरिंग कौन सी कंपनी का डलवाना है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई मेरे पास ये तीन बैरिंग है। सबसे पहले टाटा का बैरिंग है, दूसरा फैक कंपनी का बैरिंग और तीसरा है एनआरबी का बैरिंग। इसके अलावा एनबीसी भी आता है और भी दो तीन कंपनियों के बैरिंग आते हैं जैसे एसकेएफ वगैरह हो गया, पर मेरे पास तीन थे तो मैंने सोचा तीनों के बारे में दिखा दें। तो तीनों ही जेन्युइन है, इसके अलावा एक आध और है वो भी जेन्युइन है। बाकी जितने भी आ रहे हैं किसी के और नाम से या कैसे भी बैरिंग आ रहे हैं वो सारे लोकल है। जैसे केजी हो गया लोकल बैरिंग है, एससीएच हो गया लोकल है, ये चीज़ें बाइक के अंदर नहीं झेल पाते। तो आपको बैरिंग भी हमेशा जेन्युइन ही यूज़ करने, लोकल बैरिंग नहीं यूज़ करने, क्योंकि बैरिंग की वजह से भी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो आशा करता हूँ भाइयों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी और नॉलेज से भरी, इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियो के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी वीडियो को कर देना लाइक। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नई अनबॉक्सिंग में, तब तक के लिए गुड बाय।